Hey guys, welcome back to a new video. Guys, अगर आप लोगों को एक्सी प्लेयर एमुलेटर में ग्राफिक्स ड्राइवर्स आउटडेटेड वाला इशू आता है तो इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो चलें गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस मेरे पास एक्सी प्लेयर एमुलेटर इंस्टॉल है। जैसे यहाँ पे गाइस मैं इसको ओपन करता हूँ तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी लोडिंग होती है और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे गाइस हमारे पास ये एरर आ जाता है, योर ग्राफिक कार्ड ड्राइवर इज आउटडेटेड, प्लीज अपडेट बिफोर यूज। सो गाइस अगर आप लोग इस एरर को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखना। उसके बाद सिंपली गाइस आप लोगों ने ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सी प्लेयर को क्लोज कर देना है। सबसे पहले गाइस आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे विंडोज आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग सिंपली सर्च करेंगे ग्राफिक सेटिंग्स। यहाँ पे गाइस ग्राफिक सेटिंग को ओपन करने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप को चूज करेंगे। उसके बाद सिंपली आप लोग ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे गाइस हमारे पास जो एक्सी प्लेयर का शॉर्टकट होगा सिंपली आप लोगों ने उस पे क्लिक करने के बाद एड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप लोग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और हाई परफॉर्मेंस को सिंपली हम लोग सिलेक्ट करने के बाद सेव कर देंगे। सो गाइस इस तरह से हमारी जो ग्राफिक सेटिंग होगी वो हो जाएंगी। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने ये करना है कि गाइस ड्राइवर बूस्टर का लिंक मैं आप लोगों को पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो सिंपली आप लोगों ने इस ड्राइवर बूस्टर को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप लोग इस पे डबल क्लिक करेंगे तो गाइस कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा। उसके बाद सिंपली आप लोग कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी लोकेशन या फिर कोई भी फोल्डर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ड्राइव को चूज करने के बाद उसमें एक न्यू फोल्डर बना लेना है ड्राइवर बूस्टर के नाम से। उसके बाद सिंपली हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस आयो बिट आप लोगों को दूसरे प्रोडक्ट्स जो इसके होते हैं जैसे आईटॉप वीपीएन या फिर स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह को इंस्टॉल करने का कहते हैं, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास ड्राइवर बूस्टर की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो कि विद इन सम सेकंड्स कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे गाइस हमारे पास ड्राइवर बूस्टर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आप लोग जैसे सिंपली नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस हमारे पास ड्राइवर बूस्टर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे गाइस आप लोगों के पास स्कैन का एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप लोग स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में जितने भी ड्राइवर्स होंगे उसको यहाँ पे ये ड्राइवर बूस्टर स्कैन करेगा और उसमें से जितने भी आउटडेटेड ड्राइवर्स होंगे उनको ये अपडेट करने का कहेगा। सो गाइस ये जो ड्राइवर बूस्टर है इसमें अगर आप लोग फ्री ट्रायल लेते हैं तो आप लोग पर डे एक ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने ग्राफिक ड्राइवर को ही अपडेट करना चाहते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ से अपने जो ग्राफिक ड्राइवर होगा उसको आप लोगों ने चूज कर लेना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस मेरे पीसी में जो बिल्ट इन ग्राफिक्स कार्ड है वो है इंटेल आर एच डी ग्राफिक्स 530। तो आपके पीसी में कोई भी बिल्ट इन ग्राफिक्स कार्ड हो सकता है, उसका जो भी मॉडल होगा उसका यहाँ पे उससे रिलेटेड ड्राइवर आप लोगों को शो होगा। तो उसको आप लोगों ने चूज करने के बाद सिंपली अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो जो ड्राइवर की फाइल होगी वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे गाइस इस फाइल की डाउनलोडिंग का प्रोसेस कम्प्लीट होगा तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी होना स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे गाइस आप लोगों के ड्राइवर्स इंस्टॉल हो रहे होंगे तो उसके दौरान आप लोगों की स्क्रीन ब्लिंक हो सकती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए ब्लैक स्क्रीन होगी और दोबारा से ये डिस्प्ले वापिस आ जाएगा। इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये जब ड्राइवर्स अपडेट हो रहे होते हैं तो समटाइम्स इस तरह का इशू आप लोगों को आ रहा होता है। सो यहाँ पे गाइस हमारे पास ग्राफिक्स ड्राइवर अपडेट हो चुके हैं। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे ड्राइवर बूस्टर को क्लोज कर देंगे और एक बार हम अपने पीसी को रिस्टार्ट कर लेंगे ताकि जो अभी हमने ग्राफिक्स ड्राइवर अपडेट किए हैं तो उनकी फाइल्स हमारे सिस्टम के साथ मिक्सअप हो जाए। यहाँ पे गाइस पीसी को रिस्टार्ट करने के बाद सिंपली हम लोग दोबारा से एक्सी प्लेयर एमुलेटर को ओपन करेंगे और जैसे गाइस आप लोग इस बार ओपन करेंगे तो आप लोगों को एक्सी प्लेयर में वो जो ग्राफिक्स ड्राइवर आउटडेटेड वाला इशू आ रहा था वो अब नहीं आएगा। सो गाइस इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लोग एक्सी प्लेयर में इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग जैसे भी एक्सी प्लेयर एमुलेटर को यूज करना चाहते हैं आप लोग यूज कर सकते हैं। सो गाइस फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।